गुड मॉर्निंग बेटा वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस हम अपना चैप्टर सिक्स पढ़ रहे हैं कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी दिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे हम तो हम पढ़ रहे हैं डिमोलिशिंग अ पास्ट पास्ट को नष्ट करना बिफोर 1857 फिफ्टी सेवन दिल्ली डिज नॉट होल्ड मच इम्पॉर्टेंस फ्राम द ब्रिटिश प्रस्पेक्टिव हैंस इट डेवलप इन सम वन डिफरेंट वे दन अदर कॉलोनियल सिटीज़ इन द सिटीज द लिविंग स्पेस ऑफ इंडियज एंड ब्रिटिश वॉज शार्पली सेपरेटेड वाइल द इंडियन लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज एंड ब्रिटिश लिव वेल लेड आउट वाइट एरियाज़ अठारह सौ सतावन से पहले दिल्ली को अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं मिला ये दूसरे कॉलोनियल सिटीज से दूसरे त, अलग तरीके से विकास हुआ जो प्रेसिडेंसी शहर होते थे उनमें भारतीयों और अंग्रेज़ों का जो रहने की जगह थी वो अलग अलग थी जो इंडियंस थे वो ब्लैक एरियाज में और ब्रिटिश बहुत अच्छे तरीके से बने हुए वाइट एरियाज़ में रहते थे नाइन्टीन सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो ब्रिटिश थे वो कहाँ रहते थे दिल्ली की बात हो रही है बेटा जो दीवारों से घिरी हुई जो शहर थी शहर था उनके वहाँ पर रहने वाले अमीर भारतीयों के साथ रहते थे वहाँ यहाँ पर उर्दू और पर्शियन संस्कृति सीखते थे कविताएं सीखते थे और यह, यहाँ के लोगों के जो स्थानीय त्यौहार थे उनमें भी ये भागीदारी करते थे ये सब अठारह की जो क्रांति थी उसके बाद बदल गया जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि दिल्ली अपने मुगल अतीत को भूल जाए अठारह के रिवोल्ट के दौरान उनको दिल्ली का में जो मुगल शासन का महत्व था उसका पता चला और दिल्ली का जो प्रतीकात्मक महत्व था उसके बारे में उनको याद हुआ द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कंप्लीटली क्लियर ऑफ गार्डन्स पवेलियंस एंड मॉस्क्यूज़ जो फोर्ट के चारों ओर का जो इलाका था उसके गार्डन पवेलियंस और जो मस्जिदें थी वो पूरी तरह साफ कर दी गई क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा जो ग्राउंड था उसको साफ चाहते थे सुरक्षा कारणों से जो मॉस्क्यूज थे या तो उनको ख़त्म कर दिया गया नष्ट कर दिया गया या फिर उनको गोडाउंस या दूसरे इस्तेमाल के लिए रखा गया जामा मस्जिद में पाँच सालों के लिए कोई भी वर्षिपलाउ नहीं की गई वन थर्ड ऑफ सिटी वॉज डिमोलिश्ड जो शहर था उसका एक तिहाई हिस्सा नष्ट कर दिया गया और जो कनाज थे उनको भी भरवा दिया गया इन एटीन सेवेंटीज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ़ शाहजहाबाद टू एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ दिटी टू एक्सपेंड बियॉन्न द वर्ल्ड अठारह सौ सत्तर के दशक में शाहजहाद की जो पश्चिमी दीवारें हैं उनको तोड़ दी गई रेलवे बनाने के लिए और दीवारों से परे शहर का विस्तार करने के लिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने अब सिविल लाइन एरियाज में रहना शुरू कर दिया जो कि नॉर्थ में थी और जो वर्ल्ड सिटी थी उससे दूर थी डू यू नो देखो सिरी जो है वो दिल्ली का दूसरा शहर था और मेहरोली के उत्तर में बनाया गया था द रिवीज ऑफ दिस एंशन सिटी इस शहर इस पुरा प्राचीन शहर के जो अवशेष हैं वो सिरी कॉम्प्लेक्स में परासर में देखे जा सकते हैं वट रिमीन टू डे आर हाई वोल्स इन साउथ एंड वेस्ट जो आज बचा है वो दक्षिण और पश्चिम में ऊँची ऊँची दीवारें हैं एंड अ फ्यू फ्लेम शेप बैटलमेंट्स और कुछ लो के आकार के जो युद्ध पोत हैं वो भी यहाँ देखे जा सकते हैं ये जो अनोखा शहर था इसको इसका नाम हिंदू हिंदी भाषा के शब्द सिर से मिला है जिसका मतलब हैड अबाउट एट थाउजेंड हैड ऑफ मुगल सोल्जर्स वर वीड इन द वाल्स ऑफ दिस सिटी और मुगल सैनिकों के लगभग आठ हज़ार जो सिर हैं वो इस शहर में दफन है प्लानिंग ए न्यू कैपिटल एक नई राजधानी की योजना सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व सिंस द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली दे बिगेन टू हॉल्ड स्पेक्टिकुलर इवेंट्स इन दिल्ली अब अंग्रेज़ों को दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व पता चल गया था अनुभव हो गया था इसलिए उन्होंने दिल्ली में देखने योग्य आ, कुछ जो इवेंट्स हैं वो आयोजित किए एग्ज़ाम्पल के लिए जो वॉयसराय लेटन थे उन्होंने अठारह में 1877 में दरबार लगाया यहाँ पर ताकि जो भारत के लोग हैं वो क्वीन विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य या फिर रानी मान लें इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश टू सेलिब्रेट देयर पावर विद पॉम्प एंड शो अब अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी शक्ति को उत्साह और दिखावे के साथ सेलिब्रेट करें जो इससे पहले किसकी कैपिटल थी मुगल्स की कैपिटल थी चेंज ऑफ द कैपिटल राजधानी का बदलाव वैन किंग जॉर्ज वॉज कराउंड इन दिल्ली जब किंग जॉर्ज था उनको दिल्ली इंग्लैंड में मुकट पहनाया गया तो 1911 में इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया गया ये जो ओकेज़न है ये क्या बताने के लिए ये बताने के लिए या अनाउंस करने के लिए घोषणा करने के लिए आयोजित किया गया कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई है न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ टेन स्क्वायर माइल सिटी ऑन रज़ीना हिल अब जो न्यू दिल्ली थी ये रज़ीना हिल पर एक टेन स्क्वायर माइल की सिटी बनाई गई जो एग्जिस्टिंग सिटी या फिर जो पुरानी सिटी थी उसके साउथ में बनाई गई दो आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया जो थे एडवर्ड लुटियन एंड हर्बर्ट बेकन ताकि न्यू दिल्ली का जो डिज़ाइन थे वो बना सके और उसकी बिल्डिंग का भी डिज़ाइन कर सके द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली का जो सरकारी परिसर था इट कंसिस्टेड ऑफ टू माइल एवेन्यू इसमें दो मील का एक पथ या रास्ता था जिसको किन्स वे या राजपथ कहा जाता है ये जो किन्स वे है ये वायसराय के पैलेस तक जाता था जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं जो सेक्ट्रेट बिल्डिंग्स थी ये सेक्ट्रेट मतलब जो सचिव सचिवालय थे वो पथ के दोनों साइड बनाए गए फ्यूजन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर अलग अलग भवन निर्माण कला का कलाओं का मिश्रण मिश्रण द फीचर फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग वर बरॉड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडियाज इम्पीरियल हिस्ट्री अब जो सरकारी इमारतें थी इनकी विशेषताएँ कहाँ से ली गई जो राजसी इतिहास है भारत के अलग अलग समय का वहाँ से ली गई बट द ओवरऑल लुक वॉज कैप्ट क्लासिकल ग्रीस लेकिन जो ओवरऑल लुक थी वो क्लासिकल ग्रीस रखी गई एग्जांपल के लिए जो सेंट्रल डोम था वाइस राय पैलेस का वो सांची के बुद्ध स्तोप से कॉपी किया गया द रेड सैन स्टोन एंड ऑफ और जेल्स वर बोरोड फ्रॉम मुग़ल आर्किटेक्चर और जो लाल चूने का पत्थर था और जो घुमावदार स्क्रीन्स बनाई गई या फिर जो जेल्स बनाई गई बाद में वो मुग़ल भवन निर्माण कला से ली गई द वायस राय पैलेस वॉज मेड हायर दैन जामा मस्जिद इन ऑर्डर टू असर्ट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस अब वायसराइज जो पैलेस था उसको जामा मस्जिद से ऊंचा बनाया गया ताकि जामा मस्जिद की इम्पोर्टेंस कम हो जाए और जो ब्रिटिश की जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई जा सके इतना ही पढ़ेंगे बेटा यहाँ तक पढ़ें डाउट्स डाउट सेक्शन में क्लियर करें या फिर लाइव क्लास में वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं तो कीप स्टडिंग एंड हैव एन एस जी बेटा